हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी इलाहाबाद एएलपी पीसीएम और टेक्नीशियन जो है आईटीआई टेक्नीशियन पीसीएम टेक्नीशियन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि इसमें जो भी डाटा दिखाया जाएगा आपको वो आरआरबी के द्वारा नोटिफाइड जो नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार दिखाया जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आया था उसके अनुसार आपको इसमें सारी जानकारी बताया जाएगा। तो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने से पहले आपको जो है सभी प्रकार के एनालिसिस किया जाएगा कि इसमें यहाँ जो है इलाहाबाद में कितने सीट है और इसका रिजल्ट कितने हुआ था, कितने गुने विद्यार्थी है, मतलब पूरा एनालिसिस के बाद ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन होता है उसको भी दबा दे ताकि जब भी हम नए वीडियो लाएं तो इसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलाहाबाद में नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसी पहले देखते हैं कि एएलपी में कितने वैकेंसी था। तो इसमें जो है 3019 और 1217 दो जोन में था डिवाइड। तो टोटल सीट एएलपी का जो था इसमें 4236 सीट था। और इसका आईटीआई टेक्नीशियन वालों की बात करें तो 2452 सीट था और पीसीएम टेक्नीशियन वाले की बात करें तो 794 सीट था इसमें टोटल। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी इलाहाबाद जोन में हो गया 7482 सीट। टोटल सीट हो गई 7482 इलाहाबाद जोन में, जो कि काफ़ी अच्छा सीट है और बहुत अधिक सीट है। वैसे बोर्ड भी काफ़ी बड़ा है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका जो पहला रिजल्ट आया था वो कितना गुना रिजल्ट आया था और कितना कट ऑफ रहा था इसका फर्स्ट रिजल्ट में। तो चलिए देखते हैं इसका जो एएलपी का कट ऑफ जो था पहले बार आया था उसमें जनरल वाले को ओबीसी एससी एसटी की सभी को बात करते हैं। तो उससे पहले एएलपी और एएलपी टू के बारे में हम बोल देना चाहते हैं कि जो एएलपी था वो दो प्रकार के था, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल का जो था ऊपर इलेक्ट्रिकल है नीचे मैकेनिकल है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जनरल वाले को 50.54 आया था इसका पहला बार में रिजल्ट होने से हुआ था जिनका। ओबीसी का 41.60 कट ऑफ था और एसटी का 36.98 कट ऑफ था और एसटी का जो है 27.03 कट ऑफ था। और एएलपी टू का जो था तो 42.74 और ओबीसी का 34.15 और एससी का 34.78 और एसटी का 25.02 इतना कट ऑफ था जो पहले बार रिजल्ट आया था पुराना वाला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन वाले को, आईटीआई टेक्नीशियन वाले को। तो इनका जो था इनका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पे उठा लिया गया था और जो है टेक्नीशियन कट ऑफ वाले को जो था पीसीएम वाले को इनका जो था इनका कट ऑफ बहुत हाई गया था, बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड वेरी हाई कट ऑफ गया था इनका। तो जनरल वाले को गया था लगभग 71.6 इसी प्रकार गया था और ओबीसी की बात करें तो इसमें 69.78 इस प्रकार गया था, मतलब बहुत ही हाई गया था। तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ था इसमें प्रथम बार में उसमें हुआ था 83,309 इतने लड़के को जो था इतने स्टूडेंट को हुआ था प्रथम बार। पुराने वाले रिजल्ट आया था उस टाइम सिलेक्शन हुआ था इतने का। उसके बाद फिर नए रिजल्ट आया रिवाइज रिजल्ट, उसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है रिवाइज रिजल्ट जो आया था सेकेंड बार में उसमें एएलपी टेक्नीशियन पीसीएम सभी को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो था उस पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के नज़दीक भी आ गए थे, मतलब उसके एक्रॉक्स आल थे अप्रॉक्स में आए हुए थे या फिर उससे अधिक वाले थे, उन सभी का रिजल्ट हो गया था यहाँ पे। तो टोटल लड़का हो गया यहाँ पे 1,97,784 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया न्यू रिवाइज रिजल्ट में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कितना कितना गुना जो है ये स्टूडेंट है सभी एएलपी और टेक्नीशियन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एएलपी में। तो एएलपी में जो सेकेंड बार रिजल्ट आ गया था उसके बाद जो था लगभग 18 गुना एएलपी का रिजल्ट दिया था। तो 18 गुना सीट था टोटल 4236। तो यहाँ देख सकते हैं 76,228 सीट यहाँ पे जो है एएलपी वाले स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे। उसके बाद आईटीआई वाले कैंडिडेट की बात करते हैं तो वो भी 18 गुना थे। तो 18 गुने 20
2452, तो इसके अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 44,136 कैंडिडेट जो थे वो आईटीआई टेक्नीशियन में पास किए थे। उसके बाद हम लोग पीसीएम वाले की बात करते हैं, तो आईटीआई और यहाँ पे एएलपी दोनों वाले के जोड़ दिया जाए, उसके बाद जो टोटल है 1,97,000 जो था उसमें हम घटा देते हैं, तो लगभग 76,000 अप्रॉक्स 76,000 जो है सीट कैंडिडेट वो पीसीएम में पास हुए हैं पीसीएम में। और वैकेंसी पीसीएम का कितना है तो यहाँ है 794। और यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट जो आया है वो लगभग 76,000 है, तो 76,000 को अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं उतना से तो लगभग 95 गुना रिजल्ट आया है, जो कि काफ़ी अधिक है लगभग। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि इतना अगर जो 95 गुना और सीट काफ़ी कम है तो कट ऑफ तो इसका पीसीएम वाले को अधिक जाएगा ही, तो फिर भी हम लोग देखते हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ ये था ऑब्जर्वेशन, आपको एनालिसिस जो पूरे एनालिसिस से आप कहीं भी आपको कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं किया गया है, जो भी था पॉइंट वाइज पॉइंट करके आपको बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएलपी वाले स्टूडेंट के लिए, तो जनरल की बात करते हैं एएलपी वाले को, तो यदि नॉर्मलाइज के पहले 42 से 46 मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी एकदम निश्चित रहे कि मैक्सिमम चांस है उनका कि साइको के लिए उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद ओबीसी का अगर जो 37 से 40 नंबर भी आ रहे हैं तो वो भी पूरा उम्मीद रख सकते हैं कि उनका भी साइको के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए वो भी साइको के लिए अभी से ही तैयारी में लग जाए यदि आपका इतना नंबर आ रहा है तो। और एससी कैंडिडेट का यदि 32 से 36 नंबर भी आ रहे हैं 32 से 36 नंबर भी आ रहे हैं तो वो भी एक पूरा उम्मीद रख सकते हैं कि उनका भी साइको के लिए रिजल्ट हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं एसटी की, तो एसटी का यदि 30+ मार्क्स भी आ रहे हैं 30+ मार्क्स या फिर 30 भी आ रहे हैं तो उनका भी पूरी उम्मीद है कि उनका साइको के लिए जो है उनको बुलाया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईटीआई टेक्नीशियन वाले को, तो आईटीआई टेक्नीशियन वाले को यहाँ पे देखते हैं कि यदि जनरल वाले को यहाँ से 44 से 46 नंबर अभी आ रहे हैं नॉर्मलाइज के पहले, और ओबीसी को 40 से 44 नंबर आ रहे हैं, सब जो बता रहे हैं वो नॉर्मलाइज के पहले का मार्क्स है, और एससी का यदि 36 से लेकर के 38 नंबर आ रहे हैं तो, और एसटी का जो है 33 से 35 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो इतना नंबर यदि आ रहे हैं तो आप एक अंदाज़ा रख सकते हैं कि आपका जो है आईटीआई टेक्नीशियन में सिलेक्शन होने की बहुत ही अधिक चांस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीसीएम वाले को, तो पीसीएम वाले को तो पहले ही बता चुके थे कि इनका एक सीट पे जो है वो 90 स्टूडेंट का फाइटी है, 90 स्टूडेंट एक सीट पे 90 स्टूडेंट का, तो इनका कट ऑफ एएलपी का एएलपी से तो बहुत अधिक जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इनका, तो जनरल वाले को हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो जनरल वाले को 70 से लेकर के 78 के बीच यदि नॉर्मलाइज के पहले आ रहा है इतना नंबर तो वो उम्मीद रख सकते हैं कि उनका जो है रिजल्ट होने की संभावना है, और ओबीसी को यदि 68 से लेकर के 74 तक आ रहे हैं तो वो भी एक अंदाज़ा रख सकते हैं कि उनका भी रिजल्ट हो जाएगा, और एससी का यदि 66 से 70 नंबर के बीच आ रहा है तो वो भी एक निश्चित रहें मतलब, और एसटी का 64 से यदि 68 के बीच नंबर आ रहे हैं अभी नॉर्मलाइज के पहले तो वो भी एक उम्मीद रख सकते हैं कि उनका भी रिजल्ट हो जाएगा पीसीएम टेक्नीशियन में। तो ये था आज का अहमदाबाद का फुल एनालिसिस वीडियो, तो अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।